पंचायत इल्ल नमस्कार, आज की बात आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। पहले चरण के प्रचार का युद्ध खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण के लिए प्रचार के लिए जोर आजमाइश तेज हो गई है। आज इसकी सबसे बड़ी तस्वीर रामपुर में देखने को मिलेगी। दरअसल आज रामपुर में पक्ष और विपक्ष दोनों के सबसे बड़े योद्धा प्रचार करने वाले हैं। आज रामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ और अखिलेश अपने अपने पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आएंगे। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर की बिलासपुर और मिलक विधानसभा में हुंकार भरेंगे तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव दिन भर विजय रथ यात्रा के साथ अपने पक्ष में माहौल बनाएंगे। तो दूसरे चरण का जो चुनाव है वो 14 फरवरी को होना है, क्योंकि पहले चरण का चुनाव प्रचार कल थम चुका है, लेकिन अब धुरंधर लगातार प्रचार करने में जुट गए हैं। दूसरे चरण के लिए आज रामपुर में दो बड़े दिग्गज नजर आएंगे, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाते हुए आज नजर आएंगे। तो दूसरे चरण को लेकर लगातार अब चुनाव प्रचार तेज कर दिया गया है। रामपुर में 2017 के जो नतीजे थे उन्हें जरा आप समझिए। 3 सीट पर समाजवादी पार्टी थी और 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की थी। तो 2017 के ये नतीजे रहे थे, लेकिन इस बार क्या रहेगा ये तो जनता के हाथ में है, क्योंकि अभी चुनाव होना बाकी है। रामपुर सीट से सपा के आजम खान चुनाव जीते थे। इसके बाद स्वार सीट की अगर बात करें तो स्वार सीट से सपा के अब्दुल्ला आजम ने जीत दर्ज की थी। चमरोआ से सपा के नसीर अहमद खान ने जीत दर्ज की थी। बिलासपुर की अगर बात कर लें तो बिलासपुर से भारतीय जनता पार्टी के बलदेव औलख ने जीत 2017 में दर्ज की थी। मिलक से भाजपा के टिकट पर राजबाला की जीत हुई थी। 2017 के ये नतीजे हैं जो हम आपको बता रहे हैं रामपुर की सीट से। अब इसका इतिहास क्या है ये भी जरा समझिए। रामपुर सीट के इतिहास की अगर बात करें तो 12 में से 9 बार आजम खान इस सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं। 1974 में पहली बार चुनाव यहां पर हुआ। 1980 से 1993 तक आजम खान लगातार 5 बार यहां से जीते थे। 1996 में पहली बार आजम खान की यहां से हार हुई और 2002 में फिर से आजम खान की जीत शुरू हो गई और ये सिलसिला लगातार 2017 तक जारी रहा, यानी कि 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 4 बार आजम खान ने यहां से जीत दर्ज की। 2019 उपचुनाव में आजम की पत्नी तंजीन फातिमा ने भी यहां से जीत दर्ज की थी। तो ये रामपुर सीट का पूरा इतिहास है जो हमने आपको बताया। स्वार सीट की भी बात कर लेते हैं। स्वार सीट का इतिहास क्या है, परिसीमन के बाद 2012 में पहली बार यहां पर चुनाव हुआ था। 2012 में काजम अली खान कांग्रेस के टिकट पर यहां से जीत उन्होंने दर्ज की। 2017 में काजम अली खान को आजम के बेटे ने यहां से हरा दिया था। वहीं 2017 में अब्दुल्ला आजम को 1 लाख से ऊपर वोट मिले थे, यानी कि जो डिफरेंस था वो अच्छा खासा था। 2017 में काजम अली खान बसपा के टिकट पर यहां से चुनाव लड़े। 17 में काजम अली को 42,000 वोट मिले थे। तो ये पूरा इतिहास जो हमने आपको बताया स्वार सीट का इतिहास है, जहां पर आज दिग्गज नेता जुटने वाले हैं। कुल मिलाकर रामपुर का जो इतिहास है वो बेहद खास हो जाता है और अब पूरी ताकत लगाते हुए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के दिग्गज भी यहां पर अपना पूरा दमखम लगाते हुए नजर आ रहे हैं, चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं और रतीश भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले वीरेश जी आप ही का रुख करते हैं, रामपुर की सीट कितनी खास हो जाती है क्योंकि पूरा इतिहास भी हमने अपने दर्शकों को बताया और आज दो बड़े दिग्गज वहां पर जुटने भी वाले हैं। देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के लिहाज से आप बात करेंगी तो रामपुर का वही अहमियत है जो सैफई का है, जो इटावा का है और मुलायम सिंह का है। जो समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी उसमें आजम खां का बेहद रोल बड़ा रहा। ये पहला चुनाव है समाजवादी पार्टी की स्थापना के बाद कि रामपुर के जो विधायक और रामपुर के गढ़ कहे जाने वाले, रामपुर की शान कहे जाने वाले आजम खां जेल में है। संस्थापक सदस्य रहे हैं और संस्थापक सदस्य नहीं रहे हैं। एक बात आपको बता दूं कि कोई ऐसा चुनाव नहीं होगा 2017 से पहले का, 2017 तक ले लिया जाए, कि आजम खान ने मुस्लिम वोटों को दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका अदा की। और आजम खान का जो कद, आजम खान की जो शैली, आजम खान की जो बातचीत, कहा जाता है कि रामपुर का चाकू जो है पूरा
विश्व में प्रसिद्ध है, तो चाकू की भांति विपक्षियों पर जो वार करते थे राम अपने शब्दों से आजम खां, उसका कोई सानी नहीं पूरे यूपी विधानसभा में। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव आ रहे हैं, थोड़ा यहां पर बारिश भी हो रही है, लेकिन उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वागत के लिए ये जो चौराहा सजा है, जरूर दिखाना चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो किस कदर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर उत्साहित हैं। और साथ ही साथ यहाँ सजावट का काम चल रहा है, बारिश रात भर से चल रही है रामपुर में। देखिए गुब्बारे लगाए जा रहे हैं समाजवादी पार्टी के कलर के, और इस चौराहे पर जो अखिलेश यादव का जब काफिला पहुंचेगा तो उसका स्वागत किया जाएगा, और जो LIC तिराहे से अखिलेश यादव चलेंगे और स्वार सीट और साथ ही साथ आजम खां की जो सदर सीट है यहाँ पर उनका रथ दौड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि रामपुर की इस धरती पर मैं खड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी के लिहाज से इसका वही महत्व है, मैं एक बार और दोहरा रहा हूं, दर्शकों को इस बात का एहसास है, जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव, शिवपाल यादव, सबको इस बात का एहसास है कि ये सरजमीन जो रामपुर की है, ये आजम खां की जो जमी है, वो समाजवादी पार्टी के लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती रही है। आज आजम खां जेल में है सीतापुर के, लेकिन आजम खां जब बाहर थे, 2017 का चुनाव हो, 12 का चुनाव हो, 7 का चुनाव हो, जितने चुनाव हो, आजम खां कदम से कदम मिलाकर चलते थे मुलायम सिंह यादव। एक बहुत महत्वपूर्ण आपको बात बताने जा रहा हूं, मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के सबसे जमीनी नेता माने जाते रहे हैं, और उनकी जो भाषण की शैली है वो बहुत, कहा जाए जो राजनीति के लिहाज से बहुत प्रभावी नहीं है, लेकिन उनका कनेक्ट बहुत शानदार, उतना बढ़िया कनेक्ट पूरे देश में किसी नेता का नहीं होगा। लेकिन एक और खास बताऊं, कोई ऐसा मंच नहीं सजता था जब मुलायम सिंह यादव भाषण देते थे तो सबसे अच्छा भाषण देने वाला आजम खां उस मंच पे रहता था, और वो व्यक्ति जब बोलता था तो पूरी सभा और सुनने वाले गदगद हो जाते थे, मंत्रमुग्ध हो जाते थे, और विधानसभा में जब आजम खां बोलते थे तो पिन ड्रॉप साइलेंस, यानी हम कहें कि विधायी परंपरा में आजम खां का कोई जोर नहीं। और इस धरती पर मैं खड़ा हूं, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समाजवादी पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण धरती है, और हम MY समीकरण की बात करते हैं, मुस्लिम और यादव समीकरण से समाजवादी पार्टी ने आगे बढ़ने बिल्कुल की कोशिश की। MY फैक्टर से हर बार समाजवादी पार्टी को फायदा हुआ है, और जिस तरीके से आपने पूरा रामपुर का इतिहास हमें समझाया और आजम खान के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए धरती कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है ये आपने बताया, लेकिन जनता क्या सोच रही है वहां की ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। रतीश त्रिवेदी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, संवाददाता बने हुए हैं, रतीश के साथ में कुछ स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद हैं। रतीश जरा बात करिए और उनसे जरा जानिए कि आज योगी आदित्यनाथ भी रामपुर पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी के जो मुखिया है वो भी वहां पर पहुंच रहे हैं, यानी कि अखिलेश यादव पहुंच रहे हैं, क्या कहना है वहां के लोगों का? बिल्कुल, देखिए आज रामपुर में सियासी प्रचार का दिन है, अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ भी हैं, और हम चाय की एक दुकान पर हैं और सियासी चर्चा यहां पर काफी ज्यादा हो रही है कि योगी आदित्यनाथ के बारे में बात हो रही है और अखिलेश यादव के बारे में बात हो रही है। बात कर लेते हैं, कुछ लोग हमारे साथ है, इधर आइए भाई साहब, ये बताइए आज अखिलेश यादव भी रामपुर में हैं और योगी आदित्यनाथ भी आज यहाँ पर आ रहे हैं, क्या चल रहा है और क्या देख रहे हैं कि किस तरीके का चुनाव आप लोग करने जा रहे हैं? देखिए यहाँ की रणनीति कुछ भी हो, अखिलेश है कोई बात, लेकिन यहाँ की रणनीति, यहाँ की जनता का जो मनोबल पहले से बदल चुका है, 2017 से बाद जो आए हैं नतीजे, ना तो यहाँ गुंडा माफिया कुछ नहीं है, और क्या नाम है, इस समय अखिलेश जाए कुछ भी आए कुछ नहीं होने वाला रामपुर के अंदर, बस ये रहेंगे योगी जी। ये बताइए कि ये बार बार कहा जाता है कि आजम खान के साथ अन्याय किया है इस सरकार ने, आप लोग क्या सोचते हैं? ये सर, ये कोई अन्याय नहीं किया है, ये बहुत गलत करा है, जो आजम खान के साथ करा है, जो जेल में डाला है वो गलत है, जो जो उन्होंने करा है काम, जो रामपुर में लोगों को दिख रहा है, लेकिन उनका टीन का चश्मा लगा हुआ है। कैसी सरकार आप लोग चुनने जा रहे हैं? कितने दिए? हमें क्या कम सरकार चाहे, मोदी जी को किसने भी नहीं दिया 2.5 लाख। अच्छा आप बताइए भाई साहब, इस बार कैसी सरकार चुनने जा रहे हैं और किसका काम अच्छा लग रहा है आपको? अखिलेश यादव जी का। आप बताइए भैया, बारिश काफी हो रही है लेकिन आज सियासी प्रचार धुआंधार होगा, अखिलेश यादव भी रामपुर में होंगे और योगी आदित्यनाथ भी होंगे? हम तो BJP चाहना योगी जी को, हाँ, तन मन से। आजम खान ने ऐसा क्या नहीं किया, रामपुर जाना जाता है उनके नाम?
आजम खान ने कुछ नहीं किया, वो गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं किया। हाँ बस, और उन गुंडागर्दी की सरकार है वो, और कुछ नहीं कर सकती। रतीश, हाँ बस बाबा जी ठीक है। हाँ बाबा जी ठीक है। हम आपके पीछे देख पा रहे हैं जनता का क्या कहना है, क्या उनके मुद्दे हैं। ठंड वहाँ पर बहुत बढ़ रही है, लेकिन सियासी गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। ठीक है रतीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। वीरेश पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये तो रही दूसरे चरण के प्रचार की बात। अब आपको ये भी बता दें कि कल पहले चरण का मतदान होना है, जिसको देखते हुए आज 11 जिलों की पोलिंग पार्टियां रवाना की जाएंगी। साथ ही सभी बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जाएंगे। दरअसल कल यानी कि 10 फरवरी को 11 जिलों के 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। लगभग 22,88,000 मतदाता कल अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे, जिनमें से 18 से 19 की उम्र वाले वोटर्स की संख्या 3 लाख से ज्यादा रहने वाली है। कल चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरीके से थम चुका है। पोलिंग पार्टियां आज रवाना हो जाएंगी। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग होनी है। 11 जिलों में कुल मिलाकर 22,88,000 के करीब मतदाता हैं। 11 जिलों की 58 सीटों पर कल मतदान होना है। और सनोज हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सनोज, वहां पर भी इलेक्शन होना है और उसके लिए अब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चुनाव प्रचार अब खत्म हो चुका है, राजनीतिक पार्टियों का काम खत्म हो चुका है, गेंद पूरी तरीके से जनता के पाले में, और अब निर्वाचन आयोग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही हैं, क्योंकि कल पोलिंग होनी है। देखिए, कुछ ही देर में जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होनी, यहां से शुरू हो जाएंगी। पहले फेज की अगर बात करें तो कल 11 जिलों की 58 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस वक्त मैं हूं मेरठ के विक्टोरिया पार्क इलाके में, और यहां देखिए, यहां जो पोलिंग पार्टियां हैं वो कुछ ही देर में यहां से रवाना हो जाएंगी। जो तमाम तैयारियां हैं वो आप देख सकते हैं कि पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए तमाम तैयारियां यहां पर की जा रही हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। केंद्रीय रिजर्व बल की जो टीमें हैं वो भी मौके पर डेरा डाले रहेंगी। और यहाँ देखिए कि जो ईवीएम मशीनें हैं वो बाकायदा यहाँ पर रखी हुई हैं, और इनको चूंकि यहाँ 2962 पोलिंग पार्टियां जो हैं वो रवाना होनी है, और सीधा अलग अलग सबको एक बॉक्स बना के उनको यहाँ से रवाना कर दिया जाएगा। विक्टोरिया पार्क में 5 विधानसभा सीटों के लिए जो पोलिंग पार्टियां हैं वो रवाना होंगी। यहाँ से मेरठ शहर, मेरठ दक्षिण, मेरठ कैंट, सिवालखास और सरधरा विधानसभा सीट के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी, जबकि एक और दूसरा स्थान है आईटीआई पार्क, वहां से हस्तिनापुर और किठौर विधानसभा के लिए पोलिंग पार्टियां रवाना होंगी। देखिए, कल वोट डाले जाएंगे, पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं कि पहले फेज का जो चुनाव होता है और उस चुनाव में जो हवा चलती है वही पूरे यूपी में कहीं ना कहीं सुनाई देती है। सियासी पारा आज पूरी तरीके से चढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ, मौसम थोड़ा सर्द है, बारिश पड़ रही है यहाँ पर, और इस बारिश की वजह से थोड़ी सी दिक्कतें जरूर हो रही है, लेकिन हाँ, पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के जो पूरे इंतजाम है वो यहाँ पर कर लिए गए हैं। ये तस्वीर आप देखिए मेरठ के विक्टोरिया पार्क इलाके की, और ये पोलिंग पार्टियां यहां से रवाना हो जाएंगी। मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7 विधानसभा सीटों पर बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर है, और अगर पिछले 2017 विधानसभा चुनाव की हम बात करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में मेरठ शहर विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी 6 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, कमल खिला था। मेरठ शहर विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के रफीक अंसारी चुनाव जीते थे। पूरी सारी जितनी भी 7 विधानसभा सीटें हैं कांटे की टक्कर है, और बस कल वोटिंग होगी और ये देखना होगा कि किस तरीके से जो मतदाता है वो उत्साहित नजर आएंगे, किस तरीके से वो वोटिंग करेंगे, किसकी किस्मत का फैसला करेंगे। देखिए, मतदाता ये बिल्कुल साफ कर देगा कि कौन बादशाह होगा मेरठ की 7 विधानसभा सीटों पर। जो चुनावी नतीजे आएंगे वो क्या होंगे, मतदाता किसके पक्ष में नजर आएंगे, लेकिन फिलहाल ये पोलिंग पार्टियां आज कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच यहां से रवाना कर दी जाएंगी। तमाम जो इंतजाम है वो यहां पर कर लिए गए हैं। सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर मेरठ की 7 विधानसभा सीटों के चुनावी नतीजे क्या होंगे, या पूरे 11 जिलों की जो 58 विधानसभा सीटें हैं बिल्कुल सर, उनके उसके लिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। लेकिन सुरक्षा के लिहाज से और पोलिंग पार्टियों को रवाना करने के लिए जो तमाम तैयारियां हैं वो हम आपके पीछे देख पा रहे हैं। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं नोएडा में चुनाव के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया है। कमिश्नर आलोक सिंह ने चेकिंग अभियान चलाया है। रात भर जगह जगह पर गाड़ियों से चेकिंग हुई है, बैरियर लगाकर गाड़ियों की जांच की गई है। पुलिस कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं।
तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, नोएडा में चुनाव के कारण हाई अलर्ट जारी कर दिया है क्योंकि कल यहां पर पोलिंग होनी है। कमिश्नर आलोक सिंह ने चेकिंग अभियान चलाया है और इस अभियान के तहत रात भर जगह जगह पर जो गाड़ियां गुजर रही हैं उनकी चेकिंग की गई है, बैरियर लगाकर गाड़ियों की जाँच की गई है। पुलिस कमिश्नर के साथ अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और उस दौरान की ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं क्योंकि रात भर चेकिंग का जो काम है वो लगातार चला है। कौशाम्बी के सिराथू सीट से बसपा ने अपना प्रत्याशी बदल दिया है। केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ अब मुनसब अली को प्रत्याशी बनाया गया है। पहले बसपा की तरफ से संतोष त्रिपाठी ने अपना नामांकन किया था, अब संतोष त्रिपाठी से नामांकन वापस बसपा कराएगी क्योंकि अब नए प्रत्याशी को इस सीट से उतार दिया गया है। मोहम्मद मोइन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद मोइन, पहले प्रत्याशी कोई और होता है, नामांकन भी वो दाखिल कर देता है, उसके बाद बसपा ने अपने प्रत्याशी को बदल दिया है, क्या इसकी वजह है? देखिए, ये सब बहुत गुपचुप तरीके से हुआ, एकदम आखिरी समय में हुआ। बीएसपी ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ संतोष त्रिपाठी को अपना उम्मीदवार बनाया था, लेकिन कल नामांकन का जब आखिरी दिन था तो 3 बजने से कुछ मिनट पहले ही अचानक मुनसब अली को नॉमिनेशन कराया जाता है, पार्टी का सिंबल दिया जाता है और अब पार्टी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है कि जो पूर्व घोषित प्रत्याशी थे संतोष त्रिपाठी, जिन्होंने पहले ही अपना नामांकन कर लिया था, उनका पर्चा वापस कराया जाएगा। निश्चित तौर पर ये जातीय समीकरण को साधने की कोशिश है। बहुजन समाज पार्टी अपना फायदा नुकसान देख रही है क्योंकि सामने एक बड़ा कद्दावर नेता है जो सूबे का डिप्टी सीएम है, उसके मद्देनजर पार्टी ने ये फैसला लिया हुआ है। चलिए ठीक है, मोहम्मद मोइन बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वहीं इसी बीच प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां एबीपी गंगा की खबर पर मोहर लगी है। बाहुबली अतीक और उसके परिवार के किसी सदस्य ने नामांकन नहीं किया है। एबीपी गंगा ने 2 हफ्ते पहले ही इसकी जानकारी दी थी और इस खबर पर अब मोहर भी लग चुकी है। बाहुबली अतीक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने नामांकन नहीं किया है, इसकी जानकारी पहले ही सामने आ चुकी थी और एबीपी गंगा ने इस खबर को दिखाया भी था, आपको बताया भी था, लेकिन नामांकन अब खत्म हो चुका है और बाहुबली अतीक और उसके परिवार के किसी भी सदस्य ने कहीं से भी नामांकन अपना दाखिल नहीं किया है।